ये तुम लोग ने किया था इंडेक्स मैच मैच से रेप नेम्स, किसने नहीं किया? नहीं किया ना, याद नहीं था, क्यों नहीं किया? तो क्यों ये सब चीज़ कैसे कोई भूलता है? बस भूल जाते हैं, है ना? ठीक है, जिन लोग नहीं करके आए हो तुम लोग ही बताओगे कैसे होगा ये मेरा। एक के लिए ट्राई करेंगे खाली, मैक्सिमम के लिए निकाला हुआ था ना मैंने मैक्सिमम का नेम यहाँ पे। मैक्सिमम के लिए ट्राई करते इंडेक्स मैच मैच से कैसे होगा। इंडेक्स फंक्शन देखो, जिन्होंने पूरा बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो टोटल का कॉलम है इसका जो मैक्सिमम सेल्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे रेप नेम चाहिए, राइट? तो क्या हम लोग इंडेक्स मैच मैच में पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे कि एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट करने से भी आंसर आ सकता है? एक टेबल, एक रो सिलेक्ट, एक कॉलम, ये वाला सिर्फ सिलेक्ट करने से आंसर नहीं आएगा? दोनों तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से आंसर आएगा। देखो तुम लोग ने क्या किया होगा, पूरा टेबल सिलेक्ट किया होगा, टोटल तक करते, पेंसिल और ये सब का ज़रूरत नहीं है। ये तुम लोग ने पूरा टेबल सिलेक्ट किया होगा, ठीक है? ये हो गया मेरा डेटा टेबल एरे। फिर रो नंबर, रो नंबर मतलब मैच फंक्शन तो है, ठीक है, पर रो नंबर के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉलम सिलेक्ट करना है। कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है? टोटल वाला कॉलम, टोटल वाला कॉलम सिलेक्ट करना है ना। लुकअप वैल्यू क्या है? तो ये जो मैक्सिमम वाला है वो टोटल वाले ही तो कॉलम है ना, तो टोटल वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे मैच में। पहला लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू विल बी दिस, लुकअप वैल्यू विल बी दिस कॉमा लुकअप एरे। ये मेरा पूरा टेबल, टोटल वाला कॉलम, पूरा टोटल वाला पूरा कॉलम। जब तुम ये सेल सिलेक्ट करेगा फिर सेल सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो राइट जब तुम यहाँ पे टाइप कर रहे हो, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है ना, तो राइट एरो करो, अपने आप इस वाले सेल पे आ जाएगा। हाँ M13 टाइप भी कर सकते हैं, बेटर इज राइट एरो, लेफ्ट एरो करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ये। यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ आया? कॉमा जीरो यही होता है। अब कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा, कहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है? रेप से। तो मैच यहाँ पे इस रेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो तुम लोग यहाँ पे एक रेप वर्ड लिख के उसको सिलेक्ट कर सकते हो लुकअप वैल्यू के लिए। ये मेरा पूरा रो हो गया सिलेक्ट, कॉमा जीरो, आया आंसर। ये तुम लोग ने जो यूज़ किया ये बहुत बड़ा मेथड है, पूरा टेबल सिलेक्ट किया। फिर एक बात बताओ, ऐसे भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे रेप नेम्स है इससे मुझे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करें हैं, तो इंडेक्स फंक्शन में जो हम लोग टेबल आ रही, ये वाला आ रही सिलेक्ट करें, उसमें खाली ये वाला हम लोग कॉलम सिलेक्ट करें एंड फिर रो नंबर के ऑप्शन में मैच फंक्शन टाइप करें। कॉलम फंक्शन, कॉलम नंबर में कुछ नहीं टाइप करोगे तो अपने आप आंसर आएगा, रो नंबर मैच होके उससे आउटपुट आ जाएगा। हम लोग किए थे ना ये कि कॉलम नंबर का जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शनल, तो जब एक कॉलम खाली सिलेक्ट करते हो और रो नंबर मेंशन करते हो तो अपने आप आउटपुट आ जाता है। तो सिमिलरली ऐसे भी कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन में। ये पूरा मेरा कॉलम, मैच फंक्शन, ये लुकअप वैल्यू है, टोटल वाला पूरा कॉलम, कॉमा जीरो, देखो आंसर आ जाएगा। और कॉलम नंबर का फिर जरूरत नहीं है। तुमको इंडेक्स मैच मैच नहीं समझ में आया ना, तुम ये वाला समझ में आया तुमको ऊपर वाला, तो ये भी समझ में आएगा। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हैं इंडेक्स मैच फंक्शन में, सिर्फ ये वाला टेबल सिलेक्ट, ये वाला कॉलम सिलेक्ट करें। आउटपुट कहाँ से चाहिए? इस वाले कॉलम से चाहिए। तो रो नंबर बताना पड़ेगा कौन से
रो से मुझे आउटपुट चाहिए, तो रो नंबर के लिए हम लोग फिर मैच फंक्शन डाल रहे हैं। तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, फिर ये मेरा पूरा कॉलम कॉमा ज़ीरो। समझ के करो, अगर सिर्फ ये कॉलम सेलेक्ट करें तो खाली एक रो नंबर बताना है ना, मैं आउटपुट आ जाएगा। तो वो रो नंबर कैसे बताएंगे? मैच फंक्शन से रो नंबर बता देंगे मैक्सिमम का, कॉलम नंबर बताने का ज़रूरत है? क्योंकि एक ही कॉलम सिलेक्टेड है, आउटपुट आ जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला चीज़ सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें, कर लो इसको ट्राई जल्दी से। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस शीट 2 कल किए थे हम लोग, 3 करेंगे आज। बहुत सिंपल है, किसका किसका हो गया 3? आंसर क्या आ रहा है तुम लोग का? मैच हो रहा है आपस में सबका। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? अ हाउस लोन इज टेकन फॉर 1.5 crores फॉर 5 years एंड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट द EMI एंड द टोटल इंटरेस्ट पेड। EMI PMT फंक्शन से करेंगे, ये CM1 में मत कर लेना कभी PMT फंक्शन यूज़, जब हम लोग लोन शेड्यूल बनाएंगे, वरना मेरे को मारेंगे सर कि तुम क्या सिखा दी इन लोग को PMT। वो ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है PMT, प्लीज़ तुम लोग मत कर लेना कभी एग्जाम में यूज़ ये सब, ठीक है? हम लोग पूरा जो फॉर्मूला से बनाते हैं पूरा उसी से हम लोग निकालना सीखेंगे EMI। तो रेट में यहाँ पे 10% ईयर्स, 10% ईयर्स कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। PV कितना दिया हुआ है, कितने का लोन ले रहे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.5 crores हो गया। EMI निकालने हैं, PMT फंक्शन यूज़ करेंगे। PMT फंक्शन रेट में क्या जाएगा कुशल? पूरा 10%? श्योर? क्यों बाई 12? मंथली है ना, हम लोग EMI निकाल रहे हैं और ये मेरे को ईयरली रेट दिया हुआ है, तो बाई 12 करना पड़ेगा, बाई 12 करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, 10% इज पर एनम, मुझे चाहिए मंथली, तो बाई 12 किया। फिर कुशल नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीरियड्स 5 × 12। नेक्स्ट PV में PV सिलेक्ट किया, ये किया सबने, सबने ये किया है। देखो ये एरर आ रहा है, आया सबका आउटपुट? हाँ नहीं, वो एरर ही होता है, ये चीज़ बहुत जन कि क्यों आ रहे, डर जाते हैं। क्या वही आ रहा है? ये एग्ज़ाम के दिन तक होता है ये वाला, इसीलिए मैंने बनाया है, ये नया एरर है। ये एरर है नहीं, पर मैंने बनाया कि एक एरर ही है, सब लोग इसको एरर ही बोलते हैं। तो ये EMI निकला सबका, मैच हुआ आंसर, ठीक है? टोटल इंटरेस्ट कौन बताएगा? आर्या बताओ। हाँ 60 कैसे आया? 5 × 12, हाँ माइनस। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो एक बार, ये जो हम लोग पे कर रहे हैं EMI, इसमें कुछ मेरा कैपिटल अमाउंट, मैंने 1.5 crores लिया है, वो इंक्लूडेड है और कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन भी इंक्लूडेड है, राइट? तो मैंने टोटल EMI कितना पे किया है कैसे निकालेंगे? दिस इंटू 5 × 12, इतना मैंने टोटल EMI पे किया है। क्या ये मेरा टोटल EMI है? ये मेरा टोटल EMI 1.9 crores के अराउंड जो मैंने टोटल EMI पे किया है, क्या वो 1.5 crores से सेम है?
मैंने लोन तो इतने का लिया था 1.5 का, पे मैं 1.9 कर रही हूँ, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट विच आई एम पेइंग दैट इज इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट विच आई हैव पेड ओवर द 5 ईयर्स कैसे होगा? दिस माइनस दिस, यहाँ पे जस्ट बिकॉज ये माइनस में दिया हुआ है, तो हम एक बाहर में माइनस साइन लेके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? वहां मत जाओ अभी, ये समझ में आया 1.9 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? ये ईएमआई हर मंथ पे कर रहे थे, इंटू 5 इंटू 12 करोगे तो क्या टोटल ईएमआई, टोटल जो पूरा 5 साल में पे करें वो आ जाएगा? तो ये क्या, कौन सा अमाउंट है ये वाला 1191 वाला, ये क्या है? ये तुमने टोटल अमाउंट पूरे 5 ईयर्स में पे किया है? ये देखो, ये एक मंथ में, यहाँ देखो, एक मंथ में ये पे कर रहे थे, ठीक है, इंटू 5 इंटू 12 कर दिया मैंने, तो ये चीज़ जो फिगर आ रहा है वो क्या है? ये जो फिगर आएगा यहाँ पे, ये क्या है ये समझो पहले। ये पूरा 5 ईयर्स में इतना टोटल तुमने पे किया है ना, तो जो एक्स्ट्रा पे लिया, तो लोन 1.5 का था, पे 1.9 कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पे करे क्या वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? तो ये मेरा फाइनल इंटरेस्ट आ गया। कैसे निकाला? दिस माइनस दिस, पर ये माइनस में है तो बाहर एक कॉमन माइनस ले लिया मैंने। आंसर गलत आएगा पर ऐसे। टोटल में माइनस नहीं लेंगे, बाहर माइनस लेंगे, माइनस ऑफ दिस माइनस दिस। हाँ, अब आएगा आंसर सही। वही मैंने सोचा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, अब सही है। ये माइनस में है ना ऑलरेडी, तो इसे प्लस करने के लिए माइनस साइन एक बाहर लगा देंगे, फिर -1.5 पीएमटी वाला। ईएमआई ब्रैकेट्स नहीं लेना है, नहीं रियल का बात नहीं है, ये भी ऐसे भी कैलकुलेशंस होते हैं जब टाइम वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करें, एंड अगर कंसिडर कर भी रहे हैं, क्यों नहीं कंसिडर, जो इंटरेस्ट रेट है उसी में हम लोग अपना टाइम वैल्यू कंसिडर कर ले रहे हैं। इसीलिए अगर जब हम लोग सीएम अपने जो हम लोग जो पढ़ते हैं CET 1 में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, इसमें टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं किया इन्होंने। पर देखा जाए जो ईएमआई का कैलकुलेशन है वो गलत है, पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो हमने सही किया है, टोटल ईएमआई माइनस टोटल पेमेंट जो था वो हमने सही किया है, ऐसे ही करते हैं लोन शेड्यूल में। पर ईएमआई का कैलकुलेशन ही हम लोग एक्यूरेट नहीं कर रहे, गलत नहीं बोला जाएगा, एक्यूरेट नहीं कर रहे। हाँ, आया अभी आंसर्स मैच हुआ सबका, इंटरेस्ट का, टोटल इंटरेस्ट का? कैसे मतलब? नहीं, वो मत करना, नहीं, ईएमआई को ऐसे रेडी रहने दो, नेगेटिव रहने दो, तभी समझ आएगा कि आउटफ्लो है। ये क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट देखिए, द ईएमआई चेंजेस एंड इंक्रीजेस बाय 10%, दिस वाज माय ईएमआई, ये मेरा आउटपुट है ना, ये सारा मेरा इनपुट है, ये पहले समझना ज़रूरी होता है। ये तीनों इनपुट था और ये ईएमआई का कैलकुलेशन मेरा आउटपुट था। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि जो ईएमआई है अब वो हो गया 10% से इंक्रीज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द लोन विल बी रीपेड। तुम लोग बिना कैलकुलेट किए बताओ, अगर ईएमआई इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर्स में, अब पीवी सेम है 1.5 ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स कम होगा कि ज़्यादा? कम हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी रीपे कर दोगे पूरा लोन को, है ना? तो सबसे पहले मुझे टारगेट आउटपुट जो चाहिए, गोल्स ही यूज़ करना है यहाँ पे। आउटपुट एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए बाय चेंजिंग वन पर्टिकुलर इनपुट विच इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। तो आउटपुट हमने फाइनल जो मेरा टारगेट आउटपुट है यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू ईएमआई। जो मेरा न्यू ईएमआई है यहाँ पे ध्यान देना, ये मेरा ओल्ड ईएमआई था इंटू 1.1,
ये मेरा न्यू ईएमआई आया, न्यू ईएमआई आया मेरा। अब यहाँ पे ये सारा कुछ सेम रहेगा, ये सारा कुछ सेम रहेगा मेरा इनपुट्स। ध्यान दो यहाँ पे, फिर करते रहना खुद से। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं पीएमटी यूज़ करके, बिकॉज गोल सीक में हमने क्या देखा था, तभी वैल्यू चेंज होगा अगर फॉर्मूला डाला हुआ है। तो वापस अभी यहाँ पे फॉर्मूला डाल के ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। हाँ, पेस्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, तो उसमें ईएमआई भी पेस्ट हो जाएगा। हाँ कर लो, बेटर ऑप्शन। या फिर पेस्ट फॉर्मूला कर नहीं करके तुम कॉपी पेस्ट भी करेगा ना, तो वो फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट होगा। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला ही कॉपी पेस्ट होता है, देख लो। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत? किसने ये वाला सम किया था? सबने किया था ट्राई? आंसर्स आया था 4 पॉइंट समथिंग? ठीक है, आया था सबका, वेरी गुड। तो ये मेरा ईएमआई आया, ये जो मेरा ईएमआई है ये चेंज होके मुझे -350 करना है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है? गोल सीक में जाएंगे, बताओ शॉर्टकट। फिर जी, उसके बाद सेट सेल में क्या डालेंगे? ईएमआई चेंज करने से उसको, तो टू वैल्यू में क्या डालोगे? -350576.24 बाई चेंजिंग नंबर ऑफ ईयर्स। कर सकते हो, सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर जनरली सेल सिलेक्ट करने से वैल्यू नहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे सेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, एरर आता है। यहाँ पे सेल नहीं सिलेक्ट को सिलेक्ट करने का देखो ऑप्शन नहीं है, एरर आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, वैल्यू ही टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, 4.427 ईयर्स आया सबका, सबका आंसर मैच हुआ। तो क्या हुआ, जब हम लोग का ईएमआई 10% से बढ़ा तो मेरा नंबर ऑफ रीपे ईयर्स ऑफ रीपेमेंट कम हो गया। गोल सीक बेसिक, ये गोल सीक बस हम लोग को ये दिखाने के लिए था कि यहाँ पे आउटपुट सेल में हमेशा एक फंक्शन होना चाहिए, और ये सारा मेरा इनपुट्स है, इनमें से हम कोई भी चेंज कर सकते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। सबका क्लियर हुआ ये चीज़? यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को भी? किसी को, तुमको आया तुम्हारा आंसर? सबका आया? नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट असाइनमेंट देखो। ये क्या दिया हुआ है हम लोग को? ये प्रैक्टिस शीट 1 का डेटा यूज़ करने बोला है। अच्छा, यहाँ पे मेरा टोटल का कॉलम ऐड नहीं है, सो कर देते हैं। क्या बोले यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ रेप्स हु सोल्ड द यूनिट्स बिटवीन 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। बेसिकली ये मेरा यूनिट्स दिया है, किसका? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है मुझे। अब बताना है कि कितने सेल्स 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में एंड सो ऑन हुए। कौन सा फंक्शन यूज होगा? फ्रीक्वेंसी फंक्शन। कौन बताएगा? आर्या ट्राई करो। पहले पूरा सेल सिलेक्ट होता है, सारा आउटपुट, फिर आउटपुट सेल्स, जहाँ पे भी आउटपुट चाहिए वो पूरा सिलेक्ट होगा। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी फंक्शन डेटा एरे में। कौन सा? सारा रेप्स या सारा यूनिट्स? ये पूरा यूनिट्स का सिलेक्ट होगा ना, 95 से पूरा नीचे तक, कॉमा बिन सारे, ये पूरा। रेप नेम क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैं डेटा तो वो यूनिट्स वाला कॉलम है ना। फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देख लो इसका
सम करके देख लो क्या आ रहा है। 43 डेटा इनपुट्स है मेरे पास, पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे, पहले पूरा सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट किया था पूरा, फिर फ्रीक्वेंसी फंक्शन टाइप किया था, नहीं सिलेक्ट किया होगा। किसका किसका नहीं आया, हाथ उठाओ, सबका नहीं आया तुम्हारा। पहले पूरा सिलेक्ट होगा, तुमने किया नहीं है ना फ्रीक्वेंसी फंक्शन का क्लास। पूरा सिलेक्ट करो जहाँ पे भी आउटपुट चाहिए, फिर यहाँ पे टाइप करो फॉर्मूला बार में, टाइप क्यूमुलेटिव आएगा। तुमको एंटर क्यों करना है, कभी क्यूमुलेटिव आते हैं कभी वो आते ही नहीं। वो क्या हो जाते हैं कि हाँ फर्स्ट ही आएगा सेल में। क्यूमुलेटिव सिर्फ एंटर से क्यूमुलेटिव नहीं आते, तुमने कुछ और टाइप किया होगा। एंटर करने से सिर्फ फर्स्ट सेल में आउटपुट आता है, और वो भी गलत जीरो ही आएगा हमेशा। हाँ ये पूरा सिर आया क्या, अभी आया तुम्हारा, सिलेक्ट नहीं किया था ना सारा सेल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रीजन इन विच एवरी थर्ड सेल वॉज मेड। मतलब कि यहाँ पे हर तीसरा, जैसे कि पहला क्या है यहाँ पे, 1 2 3 सेंट्रल है, फिर ईस्ट है, एंड सो ऑन। मुझे हर तीसरा रीजन का नेम चाहिए। तो बेसिकली इस वाले शीट में यहाँ पे हम 3 6 9 वैसे जो लिखा था हमने कल वैसे लिखेंगे। तो 3 एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं आज। कल हमने क्या किया था, 10 20 30 वैसे करके क्या था ना, आज हम लोग 1 2 3 ही करते हैं। 43 है ना, तो 44 40 42 तक होगा। 42 डिवाइड बाय 3, ठीक है, देखना आप कैसे करेंगे, पहले ध्यान दो। फिर ऑफसेट, रेफरेंस सेल कौन सा होगा, रीजन वाला होगा। इसको क्या करना होता है, एब्सोल्यूट कॉमा, फिर कितना नंबर ऑफ रोज नीचे जाना है मुझे, 1 इंटू 3। कितना कॉलम्स राइट, 0। तो ये जो मैंने इंटू 3 किया है ये कांस्टेंट रहेगा। जब सेल को ड्रैग करेंगे तब क्या होगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको। हाँ वैसे भी कर सकते हो, ये दिखाने के लिए था कि एग्जाम में क्या होता है जनरली, ये ऑफसेट फंक्शन ये क्या 2 बार ही यूज़ होगा। उस समय अगर साइड में जनरली हम लोग सीरियल नंबर से लिखते हैं ना, 1 2 3 4 वैसे करके लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। वो जो 3 6 9 वो कॉलम है वो हमेशा नहीं मिलेगा मुझे, हमेशा मुझे ये वाला कॉलम मिलेगा, फिर इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो दिखाने के लिए था, तुम लोग 3 6 9 करके कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वैसे भी आएगा। देख लो इसको, रन करो। क्या ऑफसेट फंक्शन, मतलब कुछ नहीं करना है, ये रेफरेंस सेल सेलेक्ट किया नॉर्मली, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना नीचे जाना है, तो 1 सिलेक्ट किया, इंटू 3 कर दिया मैंने, तो 3 रोज नीचे जाएगा। फिर जब ये ड्रैग करेंगे तो 2 इंटू 3, 6 रोज नीचे जाएगा, 9 रोज नीचे जाएगा, एंड सो ऑन। और 0 कॉलम्स राइट जाना है तो यहाँ पे 0। कल के जैसे ये, कल हमने 10 20 लिखा था ना, फिर बस सिलेक्ट किया था ये वाला सेल एंड ड्रैग कर दिया था, पर यहाँ पे आज हम 1 2 3 करके करें तो इंटू 3 करना पड़ेगा हमें, यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ सबको ये चीज़, सबको क्लियर है, आंसर्स मैच हो रहे हैं। लास्ट असाइनमेंट देखिए, तुम आधा टाइम तो बात में ही लगा रहते हैं। तो अब करूँ होगा, घर पे करना होगा,
नेक्स्ट देखते हैं, सबका आया आंसर, मयूर आया तुम्हारा, सबका मैच हुआ। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो यहाँ पे, डेटा टेबल एरर आ रहे देखो मेरे में, ठीक है? तो अभी हंस क्यों रहे तुम, बच्ची रहना अच्छा होता है। यहाँ देखो, ये मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, कंप्लीट द टेबल फॉर मंथली पेमेंट, मंथली रीपेमेंट। ये अमाउंट बोरोड है, कितना बोरो किया है, 1.25 लाख, ठीक है? मैंने बोरो किया 10% रेट पे 120 मंथ्स पे, 120 मंथ्स मतलब कितना ईयर्स हुआ, 10 ईयर्स के लिए बोरो किया मैंने, ठीक है? तो ये मेरा रेट्स है और ये मेरा डिफरेंट अमाउंट बोरोड है, तो विथ चेंजिंग ऑफ रेट्स, विथ चेंजिंग ऑफ अमाउंट बोरोड, मेरा कितना मंथली रीपेमेंट आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ, पहले तो ये जो फॉर्मूला फंक्शन है, ये मेरा फॉर्मूला वाला सेल होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं अपना, यहाँ पे पीएमटी फंक्शन लिखना पड़ेगा। कल हम बहुत सिंपल वाला फंक्शन यूज़ कर रहे थे, यूनिट इनटू क्वांटिटी करके, यहाँ पे सॉरी यूनिट्स इनटू यूनिट कॉस्ट करके कर रहे थे। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे पूरा फंक्शन मुझे टाइप करना है पीएमटी वाला, जो भी मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए उसका फंक्शन यहाँ पे मुझे टाइप करना है। तो पीएमटी फंक्शन टाइप करेंगे, रेट बाय 12 अच्छा बाय 12 नहीं हुआ, कॉमा मंथ्स कॉमा, ये मेरा हो जाएगा पीवी। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। इसमें यहाँ पे हमेशा इक्वेशन या फंक्शन लिखेंगे जिसका आउटपुट मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे पीएमटी चाहिए, सब ईएमआई चाहिए तो पीएमटी फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये आ गया सबका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबका ये आंसर मैच हो रहा है 1651, बताओ कुशल, ऑल्ट ए डब्ल्यू टी, ठीक है? मयूर बताओ, इनपुट सेल में रो इनपुट में क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ रो इनपुट में क्या होगा, रेट होगा। सब लोग अग्री करते हैं उससे, क्योंकि ये मैंने रो में लिखा है अपना, तो ये मेरा रेट हो गया एंड कॉलम इनपुट हो गया मेरा अमाउंट बोरोड, आउटपुट आ गया सारा, देख लो क्लियर हुआ। यही था हमारा तीनों असाइनमेंट, कोई भी डाउट पांचों असाइनमेंट में, घर जाके ग्राफ्स प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा सिनेरियो मैनेजर एंड पिवट टेबल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी पांचों असाइनमेंट्स में।